नमस्कार, जय हिंद। मैं रजत सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आप सभी का सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज जो हम चला रहे हैं, इसमें हम जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं और इस जिलेवार अध्ययन में मैं आज जबलपुर संभाग का एक बहुत ही शानदार जिला लेकर आया हूँ आपके लिए। और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि इस जिले के संदर्भ में जितनी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी उतनी आपको किसी भी वीडियो और एक किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये मेरा वादा है। आप पूरे अंत तक देखें और पूरे डाटा संग्रहित करें, लिखें, नोट्स बनाएं और उसके बाद में आप फैसला करें कि वाकई में आपने कितना अच्छा पढ़ा है। वीडियो को देखते जरूर हैं आप, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो के मुकाबले ये एक ही वीडियो सब पर भारी है, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं दोस्त हम, और आज पढ़ेंगे हम छिंदवाड़ा जिला। जी हाँ, वही छिंदवाड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वही छिंदवाड़ा जिला जिसे कॉर्न सिटी अर्थात मक्का सिटी कहा जाता है, वही छिंदवाड़ा जिला जहाँ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी थे, और वही छिंदवाड़ा जिला जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा जिला या सबसे बड़ा शहर है। तो शुरुआत करते हैं हम आज छिंदवाड़ा जिले को पढ़ने की। देखिए दोस्त, ये मध्य प्रदेश का नक्शा, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं इसमें, ये मध्य प्रदेश के नक्शे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में छिंदवाड़ा जिला आता है, और जहां मैं ये मार्कर लगा रहा हूँ ये छिंदवाड़ा जिले का मुख्यालय अर्थात छिंदवाड़ा जिले में खुद छिंदवाड़ा तहसील है। छिंदवाड़ा जिला आप देख पा रहे हैं सिवनी की ही तरह छिंदवाड़ा जिला महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है, महाराष्ट्र राज्य की सीमा को छूता है। कौन सा जिला? छिंदवाड़ा जिला। मैं जिस छिंदवाड़ा जिले की बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा जिले का अगर पर्टिकुलर आप इसका मैप देखें तो ये है छिंदवाड़ा जिले का नक्शा। और छिंदवाड़ा जिले में मेरे दोस्त 12 तहसीलें। कितनी तहसीलें? छिंदवाड़ा जिले में 12 तहसीलें। चांद जो कि छिंदवाड़ा में ही लगता है, चांद जो स्थान है वो छिंदवाड़ा जिले की 13वीं तहसील के रूप में प्रस्तावित है, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति में छिंदवाड़ा में 12 तहसीलें। कौन कौन सी, मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, जो छिंदवाड़ा का है वो समझ जाएगा, जो नहीं है वो जरूरी नहीं कि आप पूरी तहसीलें याद रखें, पर कुछ तहसीलें खास होती है जहाँ से, जैसे हम कहते हैं ना अमरवाड़ा से शक्कर नदी निकली जो नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में जाती, इस तरह से अमरवाड़ा, हर्रई, तामिया, पराशिया, जामई, उमरेठ, छिंदवाड़ा, चोरई, और नीचे देखोगे पांडुर्ना, सोंसर और बिछुआ। पांडुर्ना, सोंसर, बिछुआ ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करती है, और पांडुर्ना को बहुत विशेष तरीके से हम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक मेला लगता है, गोटमार मेला, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो 12 तहसीलों वाला जिला, नाम है छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला दक्षिण में आता है, और खास याद रखिएगा प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका 2011 की जनगणना के अनुसार, या यूं आज की तारीख में भी कहे, क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर, 11,815 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और एरिया वाइज यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा मेरे दोस्त? छिंदवाड़ा जिला, संभाग जबलपुर, श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि ये जो छिंदवाड़ा है ये सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जाती है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा जिला है और मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा जिला है। इस छिंदवाड़े का पुराना नाम सिंहवाड़ा था, सुनना ध्यान से, फिर से सुनिएगा, छिंदवाड़ा जिले का पुराना नाम सिंहवाड़ा था। मैं आपको क्षेत्रीय भाषा से लेकर चलता हूं, वाड़ा जो बाड़ा होता है वो एक एरिया रहता है, समझ में आ रहा है? बाड़ा जैसे कि हम कह सकते हैं कि खेत में बाड़े बनाए जाते हैं, एक बाउंड्री, कांटे से बाउंड्री बना दी जाती थी, उसके अंदर जो जितनी जगह रहती थी वो कहते थे बाड़ा। सिंह अर्थात शेरों की अधिकता होने के कारण, प्राचीन समय में शेरों की अधिकता होने के कारण ये जो क्षेत्रफल कहलाता था, ये भौगोलिक स्थिति जो जगह थी, सिंहवाड़ा कहलाती थी। वर्तमान में इस जिले का नाम छिंदवाड़ा एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, और वो है छिंद वृक्ष। हमने क्या कहा था, सिवनी जिले का नाम सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण, जिससे ढोलक बनती है, छिंदवाड़े का नाम, छिंदवाड़ा जिले का नाम छिंदवाड़ा छिंद, ऐसा वाड़ा मतलब क्षेत्र जहां पर छिंद हो, छिंद मतलब खजूर,
अपनी भाषा में कहें तो छिंद मतलब खजूर, तो याद रखिएगा छिंद अर्थात एक प्रकार के वृक्ष अर्थात खजूर वृक्ष की अधिकता के कारण छिंदवाड़ा जिले का नाम छिंदवाड़ा है, पुराना नाम सिंहवाड़ा है, प्रदेश में दक्षिण में आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इस कारण से इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 12 तहसीलें इसमें आती है। सबसे खास सबसे मेन प्रश्न सुनो मेरे भाई, छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया, भारत की मक्का सिटी कहते हैं, कॉर्न सिटी किसको, छिंदवाड़ा को, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में भी मक्का उत्पादन में अर्थात कॉर्न फसल है, कॉर्न उत्पादन में मक्का उत्पादन में सबसे नंबर वन पर रखा जाता है छिंदवाड़ा को, और इसे ही कॉर्न सिटी कहा जाता है। इसकी एक और खासियत याद रखो कि प्रदेश का पहला मक्का महोत्सव, पहला कॉर्न, पहला मक्का महोत्सव, पहला कॉर्न फेस्टिवल, फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल कहां पर आयोजित हुआ, ये हुआ है छिंदवाड़ा में, कहां पर आयोजित हुआ, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, छिंदवाड़ा में पहला मक्का महोत्सव हुआ 2019 में ही हुआ है, और मक्का जो है ना कॉर्न उसे ही अनाज की रानी कहते हैं, मक्का जो फसल है उसे अनाज की रानी भी कहा जाता है, तो अनाज की रानी उत्पादन में छिंदवाड़ा प्रथम है, मक्का उत्पादन में छिंदवाड़ा प्रथम है, इसे कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और पहला कॉर्न फेस्टिवल यहां हुआ। आगे चलते हैं, गठन 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को स्टेबल अर्थात गठन हुआ, इसलिए 964 प्रति हजार व्यक्ति, अब समझ गए होंगे हजार पुरुष पर 964, ये है सेक्स रेशो लिंगानुपात, अर्थात प्रति हजार पुरुषों पर 964 लड़कियों का जन्म लेना। नदियों की बात करें तो ध्यान से सुनते जाना, एक है कानन नदी, यहाँ कुछ खास बात बताऊंगा मैं, करंट से अपडेट बात बताऊंगा मैं, कानन नदी, पेंच, इस पेंच का नाम तो आपने वहां भी सुना होगा सिवनी में, हाँ यहाँ भी कानन नदी, पेंच नदी, शक्कर नदी, शक्कर नदी ये यहाँ से आपके छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से निकलती है, नरसिंहपुर तरफ जाती है, और नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी है बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से। जाम नदी, मैंने एक जगह सीता रेखा बोला था, सीता रेखा नहीं, सीता रेवा नदी है जिसका उद्गम छिंदवाड़ा से है, और कुलबेहरा। देखो भाई दो चीज, दो नदियों पर विशेष तौर पर फोकस कीजिए आप, तीन नदियों पर, एक शक्कर, कानन, कुलबेहरा। कानन नदी कुलबेहरा में से याद रखना, जो कुलबेहरा नदी है इससे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कौन सी नदी, ये कुलबेहरा। और ये प्रश्न बहुत जगह में मैंने लिखा हुआ देखा है, बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे बनना चाहिए भाई, आप जब नदियों का टॉपिक पढ़ोगे तब इतनी बारीकी से नहीं पढ़ पाओगे जितना आप जिलेवार में पढ़ोगे, ठीक है ना। और जो कानन नदी है, इस कानन नदी, ध्यान से सुनना, कुलबेहरा नदी छिंदवाड़ा की जीवन रेखा है, और जो कानन नदी है उसे नदी पुनर्जीवन योजना में शामिल किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, उस योजना का नाम है नदी पुनर्जीवन योजना। नदी पुनर्जीवन योजना में मध्य प्रदेश के 35 जिले चुने गए, कितने जिले हैं नदी पुनर्जीवन योजना में, 35 डिस्ट्रिक्ट, 35 जिले हैं, 35 जिले की हर एक वो नदी इसमें शामिल की जा रही है जो सूख रही है, अर्थात नदी पुनर्जीवन योजना का उद्देश्य ये है कि नदी के जल स्तर को बनाए रखना, उससे सूखने से बचाना, किसी भी माध्यम से उसे धारा प्रवाह रखना, या उससे वर्ष भर सदा नीरा बनाए रखना, अर्थात उसमें जल रहे, नदी ना सूखे, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होने देना, इसमें कानन नदी को भी शामिल कर लिया गया है। 35 जिले हैं कुल, आप देखोगे तो आप उचेहरा सतना में भी आप जाओगे तो वहां भी जो नदियां हैं उनको भी बचाया जा रहा है, बीहड़ नदी रीवा, उस तरह से। प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों की राजधानी रहा है, या राष्ट्रकूटों के अधीन रहा है छिंदवाड़ा प्राचीन काल में। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न आएंगे, एक एक आपके फैक्ट आएंगे, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे, पीएससी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी, पटवारी, कोई सी भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश की जिसमें एमपी पूछा जाता है, सारे प्रश्न कवर होंगे। ये बिल्कुल ना सोचना कि पीएससी वालों के काम के नहीं, कई प्रश्न निकाल दूंगा मैं यहाँ से पीएससी के भी। फूड पार्क याद रखना, बोरगांव में फूड पार्क भी है, यहाँ पर बोरगांव में फूड पार्क भी है। वैसे तो हम पढ़ने वाले हैं कि पहला फूड पार्क कहाँ पर है, खरगोन का नंबर आएगा तब, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं जिले बाय जिले का। देखो यहाँ पर लिखा जरूर है सर्वाधिक गिद्ध आवास, मैं आपको दो चीज बताता हूँ, सर्वाधिक गिद्ध आवास वाला जिला छिंदवाड़ा है, ये आपको मिल जाएगा, तथ्यवान हुए, आपको टारगेट हुए, ऐसे पेपर में आपको बहुत खोजना पड़ेगा, आपको हजारों प्रश्नों में से मिलेगा। सर्वाधिक गिद्ध आवास, गिद्ध जिन्हें हिंदी में समझ नहीं आ रहा, वल्चर,
जो गिद्ध होते हैं ना, जिसे हम आदमखोर कहते हैं, जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, जटायु जो थे गिद्ध, सर्वाधिक गिद्ध आवास वाला जिला। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हाल ही में जो गिद्धों का आकलन किया गया, उनकी गणना की गई, तो ओरछा जो निवाड़ी जिले का ओरछा है, वो उस ओरछा में 51 गिद्ध मिले हैं, जो यूं कह सकते हैं कि अभी नई नई गणना में सर्वाधिक गिद्ध है। गिद्ध जो है ना मेरे दोस्त, गिद्ध का पृथ्वी से समाप्त तो होना हमारे लिए बहुत संकट की घड़ी है। गिद्ध है जो कि मुर्दाखोर होते हैं और मरे हुए पशुओं, जानवरों और अन्य शवों को खाते हैं। आप सोचो कि जो आपकी पृथ्वी से गंदगी साफ करता है, मुर्दों को खत्म करता है, यदि वही खत्म हो जाएंगे तो फिर तो लाशों का ढेर लग जाएगा, और जो कि हो रहा है। गिद्धों को बचाने के लिए, वल्चर को बचाने के लिए, वल्चर्स को ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है। मैं आपको यहाँ वर्ग 3 के जो पर्यावरण वाले हैं ना, उनको भी सचेत कर दूं, याद रखना गिद्ध समाप्त हो रहे हैं, गिद्धों को बचाने के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है। भारत में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां से गिद्ध समाप्त हो गए हैं, और ये रिपोर्ट पेश की गई है कि आंध्र प्रदेश से गिद्ध समाप्त है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक गिद्ध आवास वाला जिला बताया जाता है छिंदवाड़ा, लेकिन हाल ही की कंडीशन में अभी आप याद रखना, अगर वो नवी गणना के अनुसार पूछे, क्योंकि यहाँ से हमेशा से रहे हैं गिद्ध, छिंदवाड़ा में हमेशा से रहे हैं, और ओरछा में जो है अभी अभी दिखे, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूं, मैं डिक्लोफेनॉक एक दवाई आती है जो कि मवेशियों को इंजेक्शन के माध्यम से लगाई जाती है। इससे क्या होता है, उन्हें दर्द से राहत मिलती है। जैसे कि जो भी पशु होते हैं, जानवर होते हैं, खास करके दुधारू पशु, उन्हें ये दवाई लगाई दी जाती है जिससे उनका दर्द कम होता है। लेकिन पशु मरने के बाद में अपने शरीर से इस दवाई को जल्दी नहीं छोड़ पाता है, और उसी मृत पशु को खाने से गिद्धों की मौत हो रही है। तो गिद्ध को बचाने के लिए ऑपरेशन अस्तित्व भी चलाया जा रहा है। राज्य पुलिस अकादमी, ये नोट कर लो भाई, क्योंकि करंट है इसमें, करंट अफेयर्स है। देखो 2019 मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, करंट अफेयर्स से निकाला है। राज्य पुलिस अकादमी स्वीकृत की गई है, कमलनाथ जी ने स्वीकृत की है। अब शिवराज जी से लागू करें ना करें, लेकिन आपके लिए एक प्रश्न है कि राज्य पुलिस अकादमी 2019 में स्वीकृत की गई छिंदवाड़ा में। 15वीं विधानसभा, वेरी IMP क्वेश्चन, 15वीं विधानसभा जिसमें कमलनाथ जी जीते, वो 15वीं विधानसभा में जब वोट डाले गए तो सर्वाधिक वोट प्रतिशत एक किसी जिले का, तो सर्वाधिक वोट प्रतिशत छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा जिले में 83.92%, छिंदवाड़ा जिले की 83.92% जनसंख्या ने मतदान किया था। ये प्रदेश में 15वीं लोक विधानसभा का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है, याद रखिएगा। वहीं 15वीं विधानसभा में सबसे कम वोट प्रतिशत भिंड जिले का है, जो कि 61 है, पर 61% है। यहाँ पर याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रतिशत है विधानसभा चुनाव में। प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एकमात्र पर कांग्रेस को जीत मिली थी, वो भी नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, वो भी किनके पुत्र है, कमलनाथ जी के। तो ध्यान से सुनना करंट अफेयर्स, 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत छिंदवाड़ा से 83.92%, सबसे कम है भिंड से। 29 में से एकमात्र लोकसभा सीट पर जीत मिली है कांग्रेस को, अभी 17वीं लोकसभा 17वीं, विधानसभा 15वीं। और वो जो जीत मिली, उसका भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो प्रदेश की सबसे कम मतों से जीत है, सबसे कम अंतर से जीतने वाले भी नकुलनाथ, और एकमात्र कांग्रेस के भी जीतने वाले भी नकुलनाथ है छिंदवाड़ा से। देश का पहला मसाला पार्क खुल चुका है 2009 में, वो भी कहां पर, छिंदवाड़ा में। आगे देखिए, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण का मुख्यालय, अर्थात केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण, पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण जो एरिया है उसका सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण का मुख्यालय कहां पर दिया गया है, छिंदवाड़ा में, ये याद रखिएगा। BDP, अब आपने GDP सुना होगा, GDP सुना होगा, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है आपका, GDP, आप इसमें DDP याद रखें, D for dog वाला, DDP, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिला घरेलू उत्पाद। मतलब क्या, किसी जिले का उसका एक भौगोलिक, एक किसी जिले की निश्चित भौगोलिक सीमा में, एक निश्चित अवधि में, वर्ष के अंत में वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मूल्य होगा,
वो DDP, एक जिले की बात कर रहा हूँ, अर्थात छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में ऐसा जिला है जहाँ पर उसके क्षेत्र के आधार पर वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य सर्वाधिक मिलता है, तो DDP जिला घरेलू उत्पाद, वेरी IMP क्वेश्चन, DDP जिला घरेलू उत्पाद में, क्योंकि इसमें आप इंदौर को उत्तर लगा के आओगे लेकिन गलत हो जाओगे, DDP क्योंकि उद्योगों में भी बहुत आगे छिंदवाड़ा। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ये केंद्र सरकार ने खोला भाई, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल कहाँ पर है, ये है छिंदवाड़ा में। खनिज की बात करते हैं, कोयला तांबा मैग्नीज ये अच्छी मात्रा में वहाँ से छिंदवाड़ा से मिलता है। मैग्नीज आपको पता होगा बालाघाट लगा हुआ है इस कारण से, तांबा बालाघाट लगा हुआ है इस कारण से इधर भी मिलता है। कोयला की अगर बात करें तो पेच एवं मोहपानी कोयला क्षेत्र, देखो हर एक जगह जहाँ कोयला मिलता है तो उस कोयला प्राप्त करने का, कोयले की खदानों का क्षेत्र होता है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र होता है, पेच कोयला क्षेत्र होता है, मोहपानी कोयला क्षेत्र, तो पेच एवं मोहपानी कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ नोट करिएगा, जंगल घेरी, ये क्या है, तो तांबा खनिज की एक खदान है जंगल घेरी। मैं आपको बता दूं अभी तांबा के बारे में और अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन जंगल घेरी खदान जो है, तांबा की प्रश्न पूछा जा सकता है, तांबा की जंगल घेरी खदान किस जिले में है, तो छिंदवाड़ा जिले में है। आप इस सभी का जितने मैंने अभी पढ़ाया इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम पढ़ते हैं छिंदवाड़ा जिले की अगली स्लाइड। ठीक है, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं इसका। देखिए बस उद्योग, अगर छिंदवाड़ा में मगर उद्योग की बात करें तो एग्रो कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है, देखो लेदर कॉम्प्लेक्स हुआ, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स हुआ, एग्रो कॉम्प्लेक्स हुआ, इस तरह से कॉम्प्लेक्स पूछे जाते हैं, देवास में है, इंदौर में है, सागर में है। उसी क्रम में एक कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर मिलेगा मेरे दोस्त, एग्रो कॉम्प्लेक्स मिलेगा छिंदवाड़ा। आप इसे याद रखें, क्यों, अभी जो आने वाले हैं उसमें मैं आपको लेदर कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाऊंगा, मैं स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर याद रखें एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। उद्योग की दृष्टि से भी बड़ा अच्छा जिला है, रेयान इंडस्ट्रीज, देखो यहाँ पर रेयान इंडस्ट्रीज भी है, रेमंड एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो रेमंड अपने ब्रांड के नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर HL करके, HUN करके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेमंड, ये सारे मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनीज भी छिंदवाड़ा में वर्क करती है। तो ये उद्योग की दृष्टि से भी याद रखिएगा कि एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, और रेमंड और हिंदुस्तान यूनिलीवर मल्टीनेशनल कंपनी ब्रांड वगैरह छिंदवाड़ा में है। यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें फसलों में, खेती में, तो बजरी युक्त मिट्टी है मेरे दोस्त, बजरी, बजरी मतलब समझते हैं, बजरी मतलब होता है एक कच्चा सा पत्थर उसमें मिश्रित होता है, तो ऐसी बजरी युक्त मिट्टी होती है, तो उससे क्या होता है, उसके कारण मिट्टी की इस क्वालिटी के कारण मोटा अनाज पैदा होता है, मोटा अनाज खास करके मक्का और बाजरा, तो मक्का उत्पादन में तो अग्रणी है ही, कॉर्न सिटी कहलाती है इंडिया की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही बाजरा, मोटे अनाज, देखो सीधी सी बात है, पहले प्रश्न इसे याद रखना, एक तो मोटे अनाज से याद रखना, फिर मक्का बाजरा, और ये अंडरलाइन करो जिस तरह से मक्का उत्पादन में छिंदवाड़ा प्रथम है, इसे फिर से लिख लीजिए, अदरक उत्पादन में छिंदवाड़ा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम है, अदरक, जिंजर, अदरक उत्पादन में पूरे मध्य प्रदेश में पहला जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा जिला आता है। आगे चलते हैं तो इधर देखेंगे आप लिलाही जलप्रपात, जो एक लिलाही वाटरफॉल है, लिलाही जलप्रपात भी छिंदवाड़ा में, लिलाही ऐसे नाम होते हैं मेरे दोस्त जो ना तो नदी के नाम से सुनने में आते, बहुत कम सुनने में आते हैं, जो याद नहीं होते हैं, पर आप यहाँ पर याद है लिलाही कहाँ पर है, छिंदवाड़ा। कुकड़ी खापा जलप्रपात जो है वो कानन नदी पर है, तो कुकड़ी खापा, देखो कानन के नाम से आप उत्तर लगा के जाना छिंदवाड़ा, लेकिन कुकड़ी खापा है, तो कुकड़ी खापा से याद रखिएगा, कानन नदी पर कहां पर मिलेगा, छिंदवाड़ा, लिलाही और कुकड़ी खापा छिंदवाड़ा। अनहोनी, ये एक स्थल है भाई साहब, कभी जाओ छिंदवाड़ा तो देखने लायक, अनहोनी गर्म जल स्रोत, यहां पर गर्म पानी आता है, यहाँ का जो पानी होता है अनहोनी का वो गर्म, तो गर्म जल स्रोत है, गर्म पानी का एक स्रोत है अनहोनी। आगे है पेच ताप विद्युत परियोजना, अंतर होता है देखना, पेच ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना और पेच के नाम से जल विद्युत परियोजना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जो थर्मल पावर होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं और जल विद्युत परियोजना आता है, तो ये है पेच ताप विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना में याद रखना, जो ताप विद्युत परियोजना होती है उनमें कोयले एवं नदी के जल की आवश्यकता होती है अधिकतर, मतलब कोयले की आवश्यकता होती है। तो कोयले के लिए आप याद रखें ताप विद्युत परियोजना 420 मेगावाट। वहीं पर पेच जल विद्युत परियोजना, पेच नदी पर पानी से, पानी टर्बाइन घुमाकर बनाए जाने वाली विद्युत 1986 से काम हो रहा है और 160 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। इसकी खासियत याद रखो, पेच जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, एमपी प्लस महाराष्ट्र। माचा गोरा डैम शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो आप अंडरलाइन करें, लिखें, क्योंकि मेरे इस वीडियो की खासियत यही है, वो चीज तो आपको मिलेगी जो सब दूर मिलती है, लेकिन वो चीजें भी मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलती है, जैसे कि ये डैम है, ये माचा गोरा डैम, बम उसकी एक से दो किताबों में मिलेगा आपको, अब पता नहीं कौन सी किताब में मिले। माचा गोरा डैम चोरे में, ये है छिंदवाड़ा में, इधर आइए, मेले में पढ़ा चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों को मेले अलग से पढ़ना है वो मेले वाला लेक्चर जाके देखे, वहां सब मिलेगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, काली रात मेला भूलना नहीं, काली रात मेला भाई कहाँ लगता है छिंदवाड़ा में, कैसे याद करें तो देखो ऐसे याद करो, छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी, ठीक है, और काली रात मतलब उनके लिए तो ये जो रात थी जिस दिन उनको पद छोड़ना था, तो काली रात थी, मतलब अभी देखो तो सबसे काली रात किसकी गई है, उसकी गई है जिसके हाथ से सत्ता चली गई है, कौन, कमलनाथ जी, कहाँ के, छिंदवाड़ा, तो काली रात मेला कहाँ लगेगा, छिंदवाड़ा, ठीक है ना। मेघनाथ और कमलनाथ, तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा, तो मेघनाथ मेला भी कहाँ पर, छिंदवाड़ा, ये तो आसान हो गया, लेकिन याद रखिएगा मेघनाथ मेला गोंड जनजाति के द्वारा लगाया जाता है, मेघनाथ मेला गोंड जनजाति का मेला है, फिर से सुनना, मेघनाथ एक पर्व है, कुल मिलाकर देखो तो एक पर्व है, उत्सव के तौर पर बाजारों की तरह लगता है, मेघनाथ पर्व किस जनजाति का पर्व है, तो आंसर देखे आएंगे आप, गोंड जनजाति का। गोटमार मेला, ये छिंदवाड़ा का सबसे प्रसिद्ध मेला है और मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों में अपना स्थान रखता है, गोटमार मेला। गोटमार मेले की खासियत याद रखना, गोट मतलब होता है पत्थर, गोट मतलब होता है पत्थर, बकरी मत समझ लेना, गोट मतलब नहीं सोच रहे हो कि बकरी उठा उठा के दे रहे हैं क्या, अरे बकरी कैसे मारेंगे भाई, है समझ में आ रहा है ना, बकरी नहीं मारना है, गोट मार मतलब कि पत्थर मारना। ये कहाँ पर लगता है, पांडुर्ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, मैंने रफ कर दिया है, पांडुर्ना एक तहसील जो महाराष्ट्र से लगती है नीचे, पांडुर्ना में, सब एक एक प्रश्न देखना, पांडुर्ना में जाम नदी पर और एक पर्व होता है, उस पर्व पर आयोजित होता है, उस पर्व का नाम है पोला पर्व। तो ध्यान से सुनना, पांडुर्ना जिला छिंदवाड़ा, नदी जाम, मेले का नाम गोटमार मेला, पर्व लगता है पोला पर्व, उस पर्व पर पत्थर मारे जाते हैं। मान्यता यह है कि एक पेड़ के ऊपर एक झंडी बांधी जाती है, दोनों गांव के लोग आपस में एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, एक पक्ष का व्यक्ति जब उस झंडी को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है तो दूसरे पक्ष के लोग उसे पत्थर मारते हैं, जो इन चुनौतियों से जीत कर वो ले आता है वो विजयी कहलाता है। तो ये गोटमार मेला छिंदवाड़ा में लगता है। पत्रिका 100% गारंटी, यदि आपने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 के पेपर, पुराने वर्षों के पेपर अगर पढ़े हैं तो आपको मिलेगा, ये दोनों पत्रिका पूछी गई है। किसको पता था कि ये भी एक पैटर्न है, मेरे दोस्त एक पैटर्न है और पूछा जाएगा, और इस बात की पूरी गारंटी है कि आने वाली सभी परीक्षाओं में एक एक पत्रिका मध्य प्रदेश की हर पेपर में पूछी जाएगी। तो मैंने आपको कटनी का भी पढ़ाया है, मैंने आपको जबलपुर का भी पढ़ाया है, आप यहाँ पर याद रखेंगे वनांचल और जगार पत्रिका, ये दोनों छिंदवाड़ा से प्रकाशित होती है, वनांचल और जगार, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय, बादल भोई आदिवासी आर्ट जो म्यूजियम है, कला संग्रहालय, ये छिंदवाड़ा में, फिर से सुनो, बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय, इसकी खासियत सुनिएगा, यह प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना म्यूजियम है छिंदवाड़ा में, नाम है बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय। अब देखो यहाँ पर कितने प्रश्न हैं। पहला, 1954 में जब ये बना था तब इसका नाम था आदिवासी कला संग्रहालय, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, बादल भोई कला संग्रहालय। मैं क्या कह रहा हूं, जब ये बना था 1954 में तब था आदिवासी कला संग्रहालय, ठीक है। 1975 में
21 साल के बाद इसका नाम रख दिया गया राज्य संग्रहालय, स्टेट म्यूजियम, राज्य संग्रहालय इसका नाम रख दिया गया 1975 में। आखिरकार 1997 में, देखो 54 में 21 जोड़ना, 21 जोड़ोगे जो ईयर आएगा उसमें राज्य कला संग्रहालय, ठीक है ना, फिर इसमें 22 जोड़ना, 22 जोड़ना जो आएगा सर 1997, उसमें नाम रखा गया बादल भोई संग्रहालय। अर्थात जो बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय है उसका नाम प्रारंभ में ये नहीं था, जिस तरह से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रारंभ में नाम दुर्गावती विश्वविद्यालय नहीं था, जबलपुर था, ठीक उसी प्रकार से इसको याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण, प्रदेश में प्रथम और जो प्रथम होता है वो काम का होता है, जैन शोध दर्शन संस्थान प्रदेश में प्रथम। देखो यहाँ ना तो मुक्तागिरी है ना सोनागिरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ना बावन गजा है, फिर भी ये स्थान बड़ा प्रमुख है छिंदवाड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में प्रथम जैन शोध दर्शन संस्थान है, प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान छिंदवाड़ा में है। आपका उत्तर दमोह हो सकता है, बड़वानी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उत्तर आपको कहने का छिंदवाड़ा। कब? जैन शोध दर्शन संस्थान प्रदेश का पहला, साथ ही साथ प्रदेश का पहला मानव विकास संस्थान, मानव विकास संस्थान, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास संस्थान कहां पर मिलेगा? छिंदवाड़ा में। प्रिय मित्रों, छिंदवाड़ा जिले की जानकारी अधिक है, अभी ध्यान से सुनना ताकि आपको थोड़ा सा बने आपका बेस। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रदेश की जनजातियां, क्यों, क्योंकि भारिया जनजाति बहुत खास है। मैं पढ़ाने वाला हूं पातालकोट, मैं पढ़ाने वाला हूं पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख हस्तियां, जिसमें आपको एक से एक नाम ऐसे बताऊंगा जिनके बारे में आपने शायद अभी तक ना सुना हो, और जो नहीं सुना है तो वो करेंट से अपडेट है 2019 के, मैं वो आपको बताऊंगा, और वो मिलेगा आपको छिंदवाड़ा जिले के पार्ट टू में, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा बड़ा रखना नहीं चाहते हैं। आपको आज जो पढ़ाया है उसे आप अच्छे से पढ़ें, और कोई डाउट आए तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछें। फिर से आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ मैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।